तो भाई इधर हर एक बंदे को 4K रिजोल्यूशन में वीडियोस चाहिए, बट आई हैव ए डिफरेंट थॉट। हेलो, माय नेम इज़ मयूर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रिजोल्यूशन, दैट इज़ 4K वर्सेस 1080p। अभी जो 4K का रिजोल्यूशन होता है, दैट इज़ 3840 एंड 2160, और 1080p क्या क्या होता है, 1920 एंड 1080। आई थिंक दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड 1080p। तो इससे क्या पता चलता है कि जो 4K का रिजोल्यूशन है एंड जो पिक्सल वैल्यूज है, दैट इज़ 4 times हायर देन द 1080p। तो भाई अभी कुछ लोग बोलेंगे कि अभी तो फिर डिबेट का कुछ मतलब ही नहीं है, कि बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट 4K इज़ ऑलवेज बेटर देन 1080p एज पर दिस रिजोल्यूशन, राइट। बट उसका यूज़ केस भी हम देख लेते हैं, तब हमें पता चलेगा कि इस किस मामले में इसको यूज़ किया जा सकता है और इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है 4K का, ठीक है। अभी आपने स्पाइडरमैन का तो मूवी देखा ही होगा, उसमें एक डायलॉग था कि मोर पावर कम्स विथ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अभी मोर पावर किसका है, 4K का है एज पर द रिजोल्यूशन, राइट। तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा आता है इसमें, कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास अगर 4K शूट करने के लिए कोई डिवाइस ही नहीं है, तो फिर आप कैसे शूट करेंगे। हाँ ठीक है, हमने मान लिया कि अभी ज़्यादातर जो सेलफोन्स आ रहे हैं, जो कैमरे आ रहे हैं, दे आर ऑल कैपेबल ऑफ शूटिंग 4K। सो जो डिवाइस का अगर यूज़ केस आता है, तो हमें उसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द डिवाइसेस दे कैन शूट 4K इन 2023, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टोरेज का। तो आपके पास डिवाइस हो गया, आपने शूट कर लिया 4K, दैट इज़ फाइन। अभी आप उसको कहीं पे तो स्टोर करने वाले हो, राइट। फ़ोन पे तो आप स्टोर नहीं कर सकते, या कैमरा में जो मेमोरी कार्ड है, आप हमेशा उसको वहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मतलब 4K फाइल्स का जो स्टोरेज होता है या फिर जो स्पेस वो लेता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एक शूट किया था, आई थिंक 1:45 का 4K फाइल था, एंड आप अगर उसका स्पेस देखो कितना स्टोरेज खा रहा था, वो दैट वॉज अराउंड 2GB, 1.98, दैट मीन्स 2GB। एंड उसी केस में अगर हम 1080p शूट करते हैं, एंड दैट इज़ लाइक मैंने अभी चेक किया था 1:40 अराउंड था, एंड उसका जो स्पेस था दैट वाज 1.3 GB, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 700 MB का आपको स्पेस मिलता है, जो कि आप 4K में अगर शूट करने के लिए जाएगा तो आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, एंड अगर आप 1080p पे शूट करते हो तो आपको कम स्पेस की ज़रूरत है। आप लोग इससे मतलब स्पेस अगर बढ़ भी गया तो क्या इशू होता है, इशू ये होता है कि आप कहीं पे भी जाओ, मतलब अभी जो स्टोरेज का जो वैल्यू है, इवन आप इफ़ यू टॉक अबाउट द क्लाउड, या फिर आपके पास जो हार्ड ड्राइव्स हो गया या फिर SSD हो गया, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। इतना मतलब सस्ता नहीं है कि आप यार आग बंद करके शूट करते जाओ 4K में, और आपको मतलब कुछ इशू नहीं है उसको स्टोरेज कहीं पर रखने के लिए। तो दैट इज़ वन ऑफ द वाइटल थिंग हमको देखना पड़ेगा, कि अगर आप 1080p पे शूट करते हो या फिर 4K पे शूट करते हो, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द स्टोरेज थिंग, ठीक है। अभी हम बात करेंगे स्टोरेज, ठीक है, आपका शॉर्ट आउट हो गया, आप बोलोगे ठीक है मेरे पास क्लाउड है, आई कैन पुट इट ओवर देयर। अभी हम बात करेंगे स्टोरेज होने के बाद एडिटिंग कैसे करना है। अभी मेरा जो एडिटिंग सेटअप है, दैट इज़ आई एम यूजिंग एप्पल M1 मैकबुक प्रो, विच इज़ फाइन टू हैंडल 4K फुटेजेस। अगर आप उसमें टेक्स्ट ओवरलेज वगैरह नहीं डालते तो इट इज़ फाइन, मतलब 4K फाइल्स अच्छा से वो प्ले कर लेता है, एडिट आप कर सकते हो, जो कट हो गया, जंप कट्स हो गया, वो कर सकते हो। बट आप जैसे ही उसमें ओवरलेज वगैरह डालते हो, या फिर इफेक्ट्स डालते हो, या टेक्स्ट डालते हो, लेयर्स डालते हो, फिर उसमें वो स्लो डाउन होना चालू होता है। मतलब एप्पल का डिवाइस है, फिर भी वो स्लो डाउन होता है, बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन, मैकेनिकली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है। तो दैट मीन्स अभी मैं 1080p पे शूट करूँगा, तो इट लाइक मतलब बटरी स्मूथ उसका एडिटिंग होता है, आई हैव ट्राइड दैट, उसमें कुछ भी इशू नहीं है। तो इन दैट केस आप इमेजिन करो, हर एक के पास उतना पावरफुल मशीन नहीं रहता एडिटिंग करने के लिए, मोस्ट ऑफ दी गाइज दे आर यूजिंग ओल्ड स्कूल विंडोज मशीन। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप 4K पे जाके शूट करते हो, दैट इज़ फाइन, जब एडिट पे डालते हो आपका टाइमलाइन जो होता है वो फिर उसका टूटना चालू हो जाता है, वो ठीक से फंक्शन नहीं करता है, लैग होता है, स्टक होता है, विच इज़ नॉट ए गुड एक्सपीरियंस एट ऑल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास मशीन है अच्छा सा एडिटिंग के लिए, देन इट्स प्रोबेबली बेटर टू गो फॉर 4K रादर देन 1080p। अगर नहीं है, स्टिक विथ 1080p। तो ये सब होने के बाद हम बात करेंगे कि भाई रिजोल्यूशन का तो हम पहले बात किया था, अभी हम बात करेंगे जो डिटेल होता है, जो इमेज क्वालिटी होता है, जो शार्पनेस होता है, किस में है अच्छा। सीधा सीधा मैं बोलता हूँ,
4K में as per the paper, as per the rule, obviously अच्छा है 4K में, but अगर आप अगेन इट डिपेंड्स ऑन के आप कौन से डिवाइस में देखते हो। अगर आपके पास आप फ़ोन में आप मतलब वीडियोस देखते हो या फिर टैबलेट में आप वीडियोस देखते हो, तो प्रोबेबली यू वॉन्ट फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन 4K एंड 1080p। हाँ, अगर आप एक बहुत बड़ा स्क्रीन लार्जर स्क्रीन यूज़ करते हो एंड आप बहुत पास में जाके देख रहे हो, फिर वो पिक्सल का जो मतलब डिफरेंस है 4K एंड 1080p पे यू माइट नोटिस। बट उसको छोड़ के अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके बैठते हो, या अभी जो मैं टीवी यूज़ करता हूँ, जो अभी यहाँ पे टीवी है दैट इज़ 1080p, एंड जो मॉनिटर मैं यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए दैट इज़ 4K। इवन दो 4K मॉनिटर में भी मैं अगर 4K फाइल्स प्ले करता हूँ या फिर 1080p प्ले करता हूँ विथ आई मीन अगर छोटा एक सर्टन डिस्टेंस पे बैठ के मैं चेक करता हूँ, आई इवन कैनॉट फाइंड द डिफरेंस। हाँ, क्लोज जाके देखता हूँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस मुझे पता चलता है। बट इज़ इट वर्थ इट, मतलब कि आप इतना छोटा सा डिफरेंस के लिए आप मतलब 4K पे जाके शूट करो और इतना बहुत ज़्यादा हसल रहता है, उसको एडिट करो फिर उसका स्टोरेज के लिए देखो, आई डोंट थिंक इट इज़ रियली वर्थ इट। ठीक है, और आप अभी मैं दो इमेजेस भी आपको दिखाऊंगा, आप चेक करो उसमें, एक 4K में शूट हुआ है और एक 1080p पे, टेल मी कि आपको उसमें डिफरेंस पता चलता है या नहीं। ठीक है, दैट मीन्स आई ओनली शूट इन 1080p? नो, आई एम ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। तो मेरे केस में कैसा होता है कि मैं एक इंटरव्यू लेता हूँ विच इज़ लाइक अराउंड 1.5 hours लॉन्ग और 2 hours लॉन्ग। उस केस में मेरा मोस्टली ध्यान रहता है कि मैं उसको 1080p पे शूट करूँ, बिकॉज 2 घंटे का 4K का फुटेजेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आई कैनॉट हैंडल दैट अमाउंट ऑफ यू नो स्टोरेज। हाँ, जिनके पास फैसिलिटीज़ है उनको मतलब सब कुछ है, स्टोरेज का कुछ इशू नहीं है, एडिटिंग का इशू नहीं है, देन दे कैन ईजिली गो फॉर 4K। पास जो बी रोल्स रहता है, जो हमको छोटा छोटा क्लिप्स हम शूट करते हैं लाइक 1 मिनट या 2 मिनट जो भी होता है, तो दैट आई शूट इन 4K। तो 4K का और एक एडवांटेज क्या होता है, एक एक जगह पे आपको क्रॉप इन करना पड़ता है जस्ट टू यू नो, अगर आपका कंपोजिशन ठीक नहीं है, फ्रेमिंग ठीक नहीं है, इन दैट केस आई थिंक 4K शूटिंग इन 4K माइट बी हेल्पफुल टू यू, बट नॉट ऑलवेज। तो मेरा केस तो मैंने बता दिया, आई यूज़ मिक्सर ऑफ बोथ 4K एंड 1080p। अभी भाई कंक्लूजन पे अगर आते हैं तो मुझे एक बात बोलिए, जब आप मूवी देखने के लिए जाते हैं या फिर घर पे नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, प्राइम वीडियो पे देखते हैं या फिर कोई भी एक OTT पे कोई भी कंटेंट आप देखते हो, तो आपका पहला थॉट क्या आता है कि अरे भाई यार ये 1080p पे शूट किया इसलिए यहाँ पे ना थोड़ा सा रेजोल्यूशन मुझे कम आ रहा है, या फिर एक और एक बंदा बोलेगा नहीं नहीं ये 4K पे शूट है इसलिए बहुत ज़्यादा शार्प है, एकदम डिटेल इमेज निकल के आ रहा है। हम लोग ऐसा बात करते हैं नहीं करते हैं, जो रेगुलर 90% जो मोर देन 90% जो भी ऑडियंस है, दे डोंट इवन केयर अबाउट 4K पे शूट है 1080p पे शूट है, दे ओनली केयर अबाउट द कॉन्टेंट द स्टोरी। तो इसका मतलब ये होता है कि रिजोल्यूशन मैटर्स एट सम पॉइंट, बट इन मोस्ट ऑफ द पॉइंट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्टोरी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ कंपोजिशन, लाइटिंग एंड यू नो दैट ओवरऑल जो कंटेंट है वो मैटर करता है रादर देन जस्ट द रिजोल्यूशन। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सी रुहंतु कारण सी रहा जरूरी जे तुम टेंशन के है छि रिलैक्स छि।